बार एक सभा चल रही थी, एक व्यक्ति ने गुप्त दान की 1 लाख की चेक दी, 1 लाख की गुप्त दान की। बोलने वाले ने माइक पकड़ा, बोला, आज भगवान की बड़ी कृपा है, आज के इस लेस्टर की कथा में भगवान की कृपा से 1 लाख रुपया गुप्त दान प्राप्त हुआ है, ताली बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने तुम्हारे जैसी ताली बजा दी, जैसी ताली बजा दो भैया, भगवान भला करे, कल्याण हो गए। लेकिन जिन्होंने गुप्त दान दिया था उन्हें संतुष्टि नहीं, वो धीरे से गए, बोले आपने बोला तो है, एक बात और बोल दो। बोले क्या? बोले जिन्होंने दान दिया वो यही है। तो उन्होंने फिर माइक पकड़ा, बोलने वाले, उसने सोचा भी 1 लाख रुपया बहुत होते थे, 1 लाख पाउंड बहुत होते हैं, तो उसने भी विचार किया, उसने फिर माइक उठाया, हाँ तो देवी और सज्जनों, अभी अभी जो हमने बताया था कि आज भगवान की बड़ी कृपा है, 1 लाख पाउंड रुपया जो अपन को दान में मिले हैं, गुप्त दान प्राप्त हुआ है, लेकिन जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यहीं पर है, ताली बजा, फिर ताली बजा जैसी तुमने बजाई है। लेकिन जिस व्यक्ति ने दान दिया था वो फिर गया, बोले यार तुमने ये तो कह दिया यही है, एक बात और बोल दो। बोले क्या? बोले जिसने गुप्त दान दिया वो मंच पे है, इतना बोल। आदमी बोला, भाई जब इतना ही बोला नाम बोल देते हैं। अरे बोले नहीं, गुप्त दान में नाम थोड़ी बोलते, गुप्त दान में नाम नहीं बताना, इतना बोल दो यही मंच पे। हाँ तो ठीक, फिर बेचारे अब 1 लाख दिया करे क्या, बोलने वाला भी मजबूर होगा, महाराज जी जैसा मजबूर, भाई जो दान दे उसकी तो मजबूरी है, सुनना जो लेने वाले। माइक लिया, हाँ तो देवी और सज्जनों, अभी अभी जिन सज्जन के बारे में हमने बताया था भगवान की बड़ी कृपा, ऐसे दानी दाता इस पृथ्वी पर हैं कि जिन्होंने 1 लाख रुपए गुप्त दान दिया था वो यहीं पर हैं और मंच पर हैं, ताली बजाई। लोगों ने फिर ताली बजाई, इन्हें लेकिन चैन नहीं पड़ा, ये फिर गए, बोले यार एक बात और बोलो, बाकी तो बहुत अच्छा बोला, हमारा तो आज दिल 1 लाख कर लेना हमसे, एक बात और बोल दो। बोले क्या? जिसने दान दिया वो यहीं पर है, मंच पर है, राइट साइड में बैठी। तो व्यक्ति बोला, यार आप तो नाम बोल दे रहे, तुम अपने खानदान का नाम बता दो पर ये ना बुलवाओ। बोले वाह, गुप्त दान में नाम थोड़ी बताते, ज्ञान यानी है, 1 लाख दिया पाउंड, चेक दी चेक, ठीक। फिर माइक लिया, हां तो देवी और सज्जनों, श्रद्धामती माता और बहनों, आज भगवान की बड़ी कृपा है, 1 लाख रुपया जो गुप्त दान प्राप्त हुआ था वो सज्जन यहीं पर हैं, मंच पर हैं, राइट साइड में बैठे हुए हैं, ताली बजाइएगा। लोगों ने फिर ऐसी ताली बजा दी, इनको फिर चैन नहीं पड़ा, ये फिर पहुंच गए। बोले यार और तो सब ठीक है, आपने ये बहुत बढ़िया, एक बात और बोल दीजिए कि राइट साइड में बैठे और मंच में, मंच के ठीक 4th नंबर की कुर्सी पर बैठे। अब बोलने वाला बोला कि यार अब क्या बताएं, 1 लाख पाउंड ना दिए होते तो तुम्हें कमरे में ले जाती है। हमारे महाराज जी को ऐसी कई बार गुस्सा आ जाती है। बोले हम तुम्हें कमरे में ले जाते। बोले कमरे में क्या करते? बोले आरती है। लेकिन अरे बोले वाह, 1 लाख की चेक। बोले इसीलिए तो चुप है। तो बोले अब क्या बोलना है? बोले कह दो मंच से 4th नंबर, ठीक है बैठो जाओ। अब फिर इन्होंने माइक लिया, हां तो देवी और सज्जनों, श्रद्धामती माताओं, आपने जो अभी अभी 3-4 बार घोषणा सुनी वो फिर सुनिए, 1 लाख पाउंड का जो गुप्त दान मिला, भगवान की बड़ी कृपा है कि वो दानी दाता यही है, मंच पर है, राइट साइड में है, मंच छोड़कर 4th नंबर की कुर्सी पर बैठे हैं, ताली बजाइए। लोगों ने फिर ताली बजाई, बात पूरी हो गई। अब इन्होंने कहा भाड़ में गया, मंच संचालन पूरा हो गया, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, बैंक में वो चेक लेके गए तो बैंक मैनेजर ने कहा इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं।
तो वो चेक लेकर वापस आए, चेक लेकर वापस आए तो उनके घर पहुंचे, बोले आपने कल 6 बार ताली बजवा ली, हस्ताक्षर नहीं किए। बोले मूर्ख हो, ज्ञान नहीं है, पागल। बोले क्यों? बोले गुप्तदान में नाम लिखते हैं कहीं?